हादसा शांत है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई हिंसक झड़प ने हंसते खेलते परिवारों की खुशियां छीन ली। हिंसा तो थम गई, मगर जिन घरों के चिराग बुझ गए वहां मातम पसरा हुआ है। कल और आज में फर्क सिर्फ इतना है कि बीते रोज जो चीख पुकार नूह में सुनाई दे रही थी वो दुश्मनी बयां कर रही थी, मगर हिंसा थमने के बाद जो चीखें आज सुनाई दे रही हैं वो दर्द की हैं, जो कुछ परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। हिंसा में टोहाना के गांव फतेहपुरी में एक घर का चिराग बुझ गया। दंगे ने माँ बाप से जहां इकलौता बेटा छीन लिया, वहीं दो बच्चों के सिर से पिता का साया भी चला गया। इस दौरान उपद्रवियों ने पत्नी के माथे का सिंदूर भी मिटा दिया। हिंसा में मारा गया होमगार्ड जवान गुरसेवक सिंह था। सेवक जी 7-8 साल पहले भर्ती था, पुराना ही, और अब 20 के दिन पहले इसकी ड्यूटी लगी थी गुड़गांव खिड़की दौड़ा, थाना गुड़गांव का खिड़की दौड़ा, वहाँ पे ड्यूटी थी इसकी। कल इन्हें दोपहर को किसी लोग सूचना आई भी, वहाँ का प्रशासन जैसे वहाँ पे जा रहा था, तो ये SHO साहब के साथ थे 3-4 मुलाजिम, 2 होमगार्ड थे, एक तो वहीं का था और एक ये था, तो ये जा रहे थे वहाँ पे। जब वो गोलियाँ चली, ईंटें बरसी, तो उस टाइम वहाँ पे ये गिर गई थी ना फोर्स, तो ये गाड़ी पता नहीं तो बैक ले रहे थे, पता नहीं गाड़ी आगे जा रही थी, तो उस टाइम वो गाड़ी में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था ना, उसके गोली कह रहे हैं भी लगी आगे, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो पलट कर 3-4 लोटनी खा गई, और फिर जाके वो दूसरी थाने की गाड़ी थी एक और सेक्टर 7 की, उस गाड़ी में जाके लगी, और गाड़ी में जो ये बैठे थे ना इनके भी कह रहे हैं भी गोली लगी है, गुरसेव के भी वहाँ के हिसाब से तो बात आ रही है भी, दोनों होमगार्ड के जवान थे उसमें और दोनों की डेथ हो। 32 साल का गुरुसेवक सिंह 10 साल पहले होमगार्ड लगा था और अब फतेहाबाद जिले में ही तैनात था। 7 जुलाई को ही उसे अस्थायी रूप से गुरुग्राम तैनात किया गया था, या यूं कहे कि मौत उसे वहां खींच लाई। बीते रोज गुरुसेवक पुलिस टीम के साथ गुरुग्राम से मेवात जा रहा था कि उपद्रवियों ने गाड़ी पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की जान चली गई, जिसमें से एक गुरुसेवक था। 8 साल सोमवार नू गए जी, हूँ तू 15-20 दिन हो गए गए नी हूँ जी हूँ तो जी इन्हें गल्ला वधिया करियां बीबी का तू बरेटे वग जी कि नाटके संघ सब थी जगराता उत्थे मैं पुत वग जूंगी कहना बीबी बच्चे कितने ने मैं पुत बच्चे पढ़ने जा रहे ने रोंदे तन ते मैं पुत कहते डैडी कद आऊगा कह 3 तरीक नू आऊंगा मां पुत बाग जूंगी तू चिंता ना कर मेरे पुत ने 4 बार तो वधिया गल्लां करियां 5वीं बार मेरे पुत ने जदों गल्लां करियां एक बारी मैं आख्या मेरे को सेवा कहना बीबी हाँ मुड़ के मेरे पुत नू भज के अफसर पिया पता नहीं कौन पिया बिच भज के पिया कहना की देखदे कोई गड्डी नहीं आती की गड्डी नू देखदे हूँ कोई टाइम नहीं गड्डी का वो मेरे वास्ते गड्डी पुछता थी भी बरेटिया मोबाइल से नंबर कटता थी कै बजे गड्डी आऊगी वो मैं गड्डी दे जाने वास्ते मैं पूछा तू पता मोबाइल से देख ला गड्डी कै बजे आऊगी। गुरसेवक की पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाएं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन माँ अभी भी बेटे के इंतजार कर रही है और कह रही है कि उसका सेवक कहाँ चला गया, वो आएगा। उसका बेटा अकेला ही घर चलाने वाला था, वो अपने बेटे की उड़ीक कर रही है। सेवक नहीं आया तो हरा चारा कौन लाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा एक दिन इस तरह चला जाएगा। गुरसेवक सिंह के पिता साहसी सिंह खेती बाड़ी करते हैं। गुरसेवक अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया है, जिनमें 6 साल की मासूम बेटी और 4 साल का बेटा है, जिन्हें शायद मालूम नहीं होगा कि उनके बेकसूर पिता की मौत सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा की वजह से हुई। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।